जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान भर में बलोच कौम को रियासत की जानिब से सिर्फ एक पुरम जलसे की पादाश में मुसलसल रुकावटों, तशद्दुद और जो है ना वॉयलेंस का सामना है। इस वक्त हम बरूरी रोड पे मौजूद हैं। हमने यहाँ पे पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल किया हुआ है। कल DYC ने पूरे बलूचिस्तान में जो है ना पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया था ताकि रियासत अपने तशद्दुद रवैये से बाज आ जाए। यहाँ ना सिर्फ बरूरी रोड पर आकर मुसलसल एजेंसियाँ और जो है ना एंटी टेररिस्ट फोर्स और स्टेट की एजेंसियाँ गश्त कर रही हैं, बल्कि सोना बांध के मकाम पर हमारे मुतअद्दिद साथियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें लापता भी किया गया है। अभी हम पूरी बलोच कौम से अपील करते हैं कि अपने घरों से निकलें, अपनी जो है ना इशाराओं को, अपनी सड़कों को और अपनी गलियों को बंद करें और बलोचों के साथ मुत्तहिद होकर इस रियासत के वॉयलेंस का जवाब अमन से दें। हम यहाँ पर किसी तशद्दुद के लिए या दहशतगर्दी के लिए नहीं निकले कि रियासत हमारे खिलाफ अपनी एंटी टेररिस्ट फोर्स को मुतहरिक कर रही है। हम पूरी दुनिया के जो इंसानी हकूक के इदारे हैं, जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उनसे अपील करते हैं कि बलोचिस्तान में रियासत के इन जंगी जराइम का नोटिस ले और बलोचों के साथ यकजहती का इजहार करें। शुक्रिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त हम बरूरी बाईपास पे मौजूद हैं। हमने कल DYC ने शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया था। हमारे पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए मुसलसल हमें स्टेट और इसकी एजेंसियों और फोर्सेस की तरफ से रुकावटों का सामना है। इस वक्त सोना खान पे हमारे मुतअद्दिद साथियों को उठा लिया गया और गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे भी आके स्टेट की एजेंसियाँ, एंटी टेररिस्ट फोर्स और जो पुलिस है वो हमें मुसलसल हिरासत कर रही है और यहाँ पे
छुट्टी तपस के ऊपर जख्मी कुछ कुछ पिछता उस तरफ से जाओ।